नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। दिवाली से पहले आलू और प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए एक्शन में आई राज्य सरकारें, एक साल में दाम 108% बढ़े। जी हाँ, यूपी ही नहीं देश भर में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। यूपी के कई शहरों में भी 50 रुपए किलो से लेकर 80 रुपए किलो तक प्याज बिक रही है। प्याज पर आई इस महंगाई को काबू में करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्याज बेचने के लिए एक पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी के तहत कुछ दिन स्टॉक की छूट है, फिर नियमानुसार प्याज का स्टॉक रखना होगा। अगर कोई कारोबारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सहकारी नैफेड ने 20 नवंबर तक 15,000 टन लाल प्याज की आपूर्ति के लिए आयातकों से बोलियां आमंत्रित की है। आयातक अपनी बोलियां 4 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। देश में प्याज की बढ़ती हुई कीमत पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए नैफेड ने यह टेंडर निकाली है। नैफेड सरकार के कहने पर प्याज का बफर स्टॉक रखता है, लेकिन अब वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बैंकों की ओर से बढ़ाए जा रहे सर्विस चार्ज पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, कहा कोई बैंक नहीं लेगा सेवा शुल्क। जी हां, बैंकिंग सेवाओं के लिए कुछ सरकारी बैंकों की ओर से सर्विस चार्ज बढ़ाए जाने की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने कुछ तथ्य जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि 60 करोड़ से अधिक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट पर कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है। मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि गरीबों और बैंकिंग सेवा से महरूम रहे लोगों के लिए खोले गए 41.13 करोड़ जनधन खातों के लिए बैंकिंग कोई सेवा शुल्क नहीं लेता है। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, कैश क्रेडिट अकाउंट्स और ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स को लेकर बैंकों ने सेवा शुल्कों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने नकद जमा और निकासी को लेकर 1 नवंबर 2020 से कुछ बदलाव जरूर किए हैं। बैंक ने बिना किसी शुल्क के नकद राशि जमा करने और निकासी की सीमा 5 से घटाकर 3 कर दी है। कोविड-19 महामारी से बने हुए हालात को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस बदलाव को भी वापस ले लिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि किसी भी सरकारी बैंक ने इस तरह का कोई अब बदलाव नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिकी जनता के साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई राज्यों में चल रही बुधवार को मतगणना के बीच दावा किया कि अमेरिकी जनता के साथ बड़ी धोखाधड़ी की जा रही है और वह उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का कोई हवाला दिए बिना कहा कि अचानक सब कुछ रुक गया, यह अमेरिकी जनता के साथ धोखाधड़ी है। यह देश के लिए शर्म की बात है कि हम चुनाव जीत रहे थे। सच कहूँ तो हम चुनाव जीत चुके थे। अमेरिका के में राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बाइडेन 225 इलेक्टोरल कॉलेज सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं, जबकि ट्रंप को 213 सीटों पर जीत हासिल हुई है। विजेता को कुल 538 में से कम 279 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन से है। आपको बता दें कि अभी ये फाइनल नतीजे नहीं हैं। कोरोना की सुपर वैक्सीन बनाने का दावा, वैज्ञानिक बोले कई गुना ताकतवर है दवा। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना का कहर बरपा हुआ है, जिसको मात देने के लिए वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक स्तर पर इसकी वैक्सीन और दवा विकसित करने का काम चल रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों में कई वैक्सीन परीक्षणों के दौर से गुजर रही हैं। इस बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोरोना की दमदार वैक्सीन बनाने का दावा भी किया है। उनके अनुसार इसका इस्तेमाल जानवरों पर हो चुका है। यह वैक्सीन बनाने का दावा करने वाले शोधकर्ताओं में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के भी शोधकर्ता शामिल हैं। उनका दावा है कि यह वैक्सीन लोगों के शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए कई गुना अधिक एंटीबॉडी बनाती है। यह वैक्सीन को नैनो पार्टिकल्स यानी कि अति सूक्ष्म कण से बनाया गया है। इस वैक्सीन का जानवरों पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। परीक्षण में पाया गया है कि वैक्सीन चूहों में कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों की तुलना में कई गुना ज़्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित करने में कारगर है। इस शोध को सेल नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। उनके अनुसार चूहों में वैक्सीन की डोज 6 गुना कम करने पर भी 10 गुना ज़्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज
उत्पन्न हुई है। महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स फिर से खुल सकेंगे। सरकार ने 5 नवंबर से खोलने की इजाजत दी है। हालांकि 50% क्षमता के साथ ही ये अनुमति मिली है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल, योगा इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ एक बार फिर से खुल सकेंगे। आपको बता दें कि सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत सिनेमा हॉल में एक सीट खाली रखकर ही दर्शक बैठेंगे, यानी कि पूरे हॉल में सिर्फ 50% दर्शक ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मास्क पहनना, आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। बिहार में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा, ईवीएम नहीं बल्कि MVM यानी मोदी वोटिंग मशीन। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। तीसरे चरण को लेकर सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान राहुल गांधी ने ईवीएम पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम नहीं बल्कि MVM यानी मोदी वोटिंग मशीन है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार बिहार की जनता के दिल में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में फिर चाहे ईवीएम हो या फिर MVM, जीतेगी गठबंधन की सरकार ही। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान 2 करोड़ लोगों को जॉब देने का वादा किया था, लेकिन उनका वादा पूरा नहीं हो पाया है अब तक। वहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार देंगे। राहुल गांधी ने कालाधन से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करने की बात कही थी। उस समय आप लाइन में खड़े थे, क्या कोई कालाधन वाला लाइन में था? क्या कोई अरबपति लाइन में लगा था? जेपी नड्डा ने कहा, कोविड-19 के डर से दिल्ली में बैठे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लौरिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि जंगल राज के राजकुमार बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, फिर भी उन्होंने एक बार भी विधानसभा में भाग नहीं लिया। वह लोगों को धोखा दे रहे हैं, इसलिए उन्हें आराम दें और नीतीश कुमार को फिर से मौका दें। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों दिल्ली में कोरोना महामारी के दौरान बैठे थे क्योंकि वे कोरोना से डर गए थे और वे अब पूछते हैं कि कोरोना के दौरान बिहार में क्या हुआ था। नड्डा ने कहा कि महामारी के दौरान केवल नीतीश कुमार और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार की जनता का ध्यान रखा। महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद अब केरल ने CBI के लिए दरवाजे बंद किए। जी हां, केरल सरकार ने राज्य की सीमा के भीतर काम करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI को दी गई आम सहमति को वापस लेने का फैसला किया है। जांच एजेंसी को अब वहां मामले दर्ज करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। गैर भाजपा शासित राज्यों पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद केरल भी इस सूची में शामिल हो गया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट में CBI केस दर्ज किया गया था। यह राज्य सरकार द्वारा बेघर लोगों को आवास देने की प्रमुख पहल थी। लाइफ मिशन परियोजना में कथित तौर पर विदेशी अंशदान कानून का कथित उल्लंघन और भ्रष्टाचार केरल में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान देश के ज्यादातर इलाकों में वर्षा की कमी रहेगी। हालांकि इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिणी भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षित हैं। इस दौरान मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु व अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊपरी क्षेत्रों में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश अपेक्षित है। आज का मैटकुज क्वेश्चन आ चुका है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए।
और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।